हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बम्पर जब फाइबर का हो तो उसमें सबसे जो वीक मैं लिंक बोलूँगा उसके लॉक्स होता है। लॉक्स लगते ही टूट जाते हैं। अब बहुत से वीडियोस आपने देखे हैं उनमें लॉक्स रिपेयर तो बताए हैं, बट जब लॉक ही नहीं बचा तो वो रिपेयर किसको करेंगे? या फिर कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिन्होंने दिखाया है लॉक्स को बनाना या क्लिप्स को बनाना, बट वो बहुत एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि वो उनका अपना पेटेंटेड प्रोडक्ट है, उसको बेच रहे हैं। वो आपको यूट्यूब पर शायद ही मिले क्योंकि सब ने बहुत वीडियोस बनाए हैं, बट ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया जिसमें उन्होंने क्लिप ही बनाई। सो गाइस, मेरा नाम है ओम, आप देख रहे हैं एवरीथिंग यू नीड टू नो, स्टे ट्यून्ड। दिस इज़ अ मेटल स्ट्रिप और ये आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर से मिल जाएगी। इसको हम सिंपल एक कैंची से काट सकते हैं, इट इज़ दैट फ्लेक्सीबल। इसमें ड्रिल करना पड़ेगा। इस तरह हमने ड्रिल कर लिए हैं इसमें, और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी क्लिप नहीं बची है अभी। तो इन्हीं जो क्लिप्स के आपको हुक्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं हुक्स के लिए हम अपनी एक उन मेटल स्ट्रिप से खुद क्लिप्स बनाएंगे। अच्छे से कपड़े से साफ कीजिए। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम इसे सैंडिंग भी करेंगे इसकी सैंड पेपर से। आप कोई भी सैंड पेपर यूज कर सकते हैं, बट दैट शुड बी 80 ग्रिड जो होता है हमारा, ताकि वो उसको हार्ड सैंड कर सके। देख सकते हैं कितने हमने इसमें स्क्रूज डाल के छेद किए हुए हैं। इन सब छेदों को हम भर देंगे गन थोड़ी, इसको हम जरूर देंगे ताकि वो अपना मटेरियल एक फ्लेक्सिबल हो जाए। सो इस तरह द अदर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज, ये हमारी शोल्डरिंग आयरन है, इसमें हम लगा के जो हमने मेटल स्ट्रिप में छेद किए थे उससे हम शोल्डरिंग आयरन से हल्का सा पोक करेंगे फाइबर बॉडी में बम्पर की, और वो उसको अटैच कर। इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज कि जिससे हम इसको वेल्ड करने वाले हैं वो भी बम्पर का ही मटेरियल होना चाहिए, अदर प्लास्टिक मटेरियल वोंट होल्ड इट टुगेदर। तो हमें इसमें फाइबर का ही जो बम्पर हमारा है वही मटेरियल हमें चाहिए। जो हमने छेद किए थे इस मेटल स्ट्रिप में उसी में हम इसको भर रहे हैं, और वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आई गारंटी यू कि ये सिर्फ दोबारा एक चोट लगने से ही होगा, दोबारा क्रैश में ही होगा कि ये बम्पर निकले, ये क्लिप्स निकले, अदरवाइज दे वोंट कम आउट। ये अच्छा बॉन्ड बन जाता है, जैसे कि आपकी नॉर्मल एक नई गाड़ी में जो क्लिप्स आती हैं। स्टे ट्यून्ड, आप देखते रहें कि हमने इसको कैसे फाइबर के मटेरियल को पिघला के उसको वेल्ड कर दिया इसी पे, और एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देगा। ये देखो, हमने इसको ऊपर एक लेयर दे दिया बिल्कुल, और जो छेद थे हमने स्टार्टिंग में होल भी किया था। और देखिए, हम इसमें सुपर ग्लू डालेंगे ताकि वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, और सेम प्रोसीजर हम यहां अप्लाई करेंगे। हल्का सा हमें छेद करना है फाइबर बॉडी में बम्पर में, ताकि मटेरियल उसके अंदर भर जाए। और ये इस तरह से हमने क्लिप बना लिया है यहाँ पे, जो उसको एक एंगल पे मुड़ी हुई है ये, और बिकॉज हमारी हमने गाड़ी काली करी हुई है तो हमें इसको कलर भी काला ही देना है ताकि अंदर से सिल्वर दिखाई ना दे। ये बस कलर करने के बाद उसको फिट कर दीजिए, और इस तरह आपको दिखाई देगी जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और जितने भी छेद थे हमने उसी फाइबर मटेरियल से बिल्कुल वेल्ड करके दोबारा से भर दिए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस पे कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसा लगा, क्या हम इसमें और एडिशन कर सकते हैं, क्या आपके कमेंट्स हैं, क्या आपके विचार हैं वो बताएं। अपना प्यार शेयर करें, अपना सपोर्ट शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।